तो हेलो गाइस, मैं हूं रॉबिन। आप लोग देख रहे हैं लव लर्न यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, आज हम लोग बात करने चल रहे हैं यार, जो मतलब यार 12 जनवरी में इतने सारे मूवी आ रहे हैं यार। आप लोग भी मतलब ऐसे तरह का मूवी का नाम सुना नहीं है, बट मूवी के बारे में भी नहीं जानते। बट हाँ गाइस, इस वीडियो के अंदर 12 जनवरी में ढेर सारा मूवी आ रहे हैं यार, उसके बारे में हम लोग यार बताएंगे। भैया तुम लोग मतलब यार अभी तक सच में बोलो तो भैया नाम नहीं सुना। हाँ भैया, मैंने सच में बोलो तो मैंने सोचा 12 तारीख में 2-3-4 मतलब मूवी आ रहा है भैया, ऐसा सोच रहे थे। बट यार नहीं भाई, 12 जनवरी में इतना सारा मूवी आ रहा है, जैसे मतलब मूवी का संभर लग गया भाई। सच में मैं लाइफ के अंदर ऐसे टाइम मतलब यार कभी नहीं देखा जो एक दिन के अंदर इतने सारे मूवी आ रहे हैं भाई। क्या ही बताएंगे, होल इंडिया के अंदर जो जो मूवी आ रहा है भैया, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह का वीडियो होने वाला है लोग। यार फाइनली हम लोग आ चुके हैं भैया जनवरी में, 12 तारीख में जो जो मूवी आ रहा है भैया, तुम लोग देख सकते हो यार। पहले हम लोग यार गुंडुम करण महेश बाबू का जो मतलब ड्रामा फैमिली मूवी है, उसके बाद आ रहे हैं यार मैरी क्रिसमस मूवी जो बना है भैया कटरीना कैफ और विजय सेतुपति। रिगार्डलेस मूवी एक ड्रामा मूवी है, ए आई थिंक इंडिया का ही है, बट यार मैं झस में हूँ तो इसके अंदर क्या है नहीं है मैं नहीं जानता। उसके बाद आता है भैया मेरा फेवरेट, मैं देखने जाऊँगा जरूर, जो है कैप्टन मिलर। ठीक है, तुम तो जानते हो धनुष जी का सैर का है, बहुत अच्छा मूवी होने वाला है। उसके बाद सेकंड मूवी आता है यार हनुमान। ठीक है, तो तुम लोग तो जानते हो यार तेजा भैया का है मतलब यार हनुमान मूवी, बहुत अच्छा मूवी आने वाला है। उसके बाद आ रहा है यार एलियन, बहुत ही अच्छा, ये भी अच्छा मूवी है। बट यार इंडिया के अंदर ऐसे तरह का मूवी सच में बोलो तो आया नहीं कभी। ठीक है, मतलब यार थोड़ा एलियन का मतलब भेज भेज लेके आएगा, कोई मिल गया का सेकेंड पार्ट होने वाला है। बट यार इसके अंदर बहुत कुछ डिफरेंस होने वाला है यार, इसके अंदर ढेर सारा ग्राफिक्स का मतलब यार काम तुमको देखने को मिलेगा इस मूवी से। तो मिशन ए चैप्टर 1, मेरे को नहीं मालूम है इसका किसका थीम क्या है, बट नहीं है। ठीक है, श्री स्वपन कुमार का एक बंगाली एक्शन मूवी है, बट इसके अंदर क्या एक्शन है मेरे को मालूम नहीं है। मुन्ना रॉकस्टार, ठीक है, ये भी आ रहा है। रुस्तान मूवी आ रहा है। सूर लगा दी, ये भी मतलब यार फैमिली मूवी है, जो तुम्हारा आई थिंक हिंदी का कोई थिएटर मूवी होगा भाई। खुर्सी मूवी लोग यार तुम लोग समझ सकते हो, 13 मूवी इस 12 तारीख में आने वाला है एवरी थिएटर में। अभी फिलहाल देखो यार कौन सा थिएटर में कौन सा मूवी आ रहा है भैया, ये तो बस तुम्हें हमको मालूम नहीं है। इतने 13 मूवी के अंदर मैं 3 मूवी को सिलेक्ट किया है, मैं जो भी 3 मूवी देखने जाऊंगा उसका नाम ही मैं बता रहा हूँ यार। और हाँ गाइस, एलियन मूवी बना है 75 करोड़ में, शुभंकर जी इसके अंदर एक्ट किया है, और ये मूवी ड्रामा बेस्ड मूवी होने वाला है। और मतलब इंडिया के अंदर ऐसे तरह का मूवी होने वाला है जो मतलब यार वो कोई मिल गया का सेकेंड पार्ट भी तुम लोग समझ सकते हो, बट इसके अंदर थोड़ा डिफरेंट कुछ है भाई। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यार कैप्टन मिलर के ऊपर। तो कैप्टन मिलर बना हुआ है भैया 50 करोड़ में, और धनुष जी इसका एक्टिंग किया है। आई थिंक आप लोग यार 2 मिनट 54 सेकंड का जो ट्रेलर देखा है यूएस सर्टिफिकेट के अंदर, तो देखो इसके अंदर 5 मिनट का मतलब जबरदस्त मतलब यार ह्यूमिनिटी के ऊपर मतलब खतरा लगा रहे थे, ऐसे तरह का एक्शन था, बट वो भी मतलब यार सेंसर बोर्ड ने काट कर दिया है। बट इसके अंदर मतलब यार ये सर्टिफिकेट नहीं लिया है क्योंकि यार ये फैमिली कॉन्टेंट क्रिएट करता है, बातें कम ज़्यादा एक्शन ऐसे तरह का लग रहे थे ना भाई। सच में बोलो तो कैप्टन मिलर का ट्रेलर देखने के बाद मैं पहली जाऊँगा यार कैप्टन मिलर देखने के लिए। तो इसके बाद हम लोग यार जाएंगे यार हनुमान के ऊपर। तो देखो यार तुम लोग तो जानते हो यार हनुमान जी बना हुआ है यार 95 करोड़ में, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सब VFX यूज़ किया है। और सच में बोलो तो भैया ये मूवी सच में आई थिंक मेरे को लगता है यार 300 करोड़ तो यार पारी कर लेगा। और हाँ गाइस, हनुमान मूवी जबरदस्त इनकम करने वाला है, 400 करोड़ नहीं तो 500 करोड़ तो कमाई लेगा फूक मार के। तो यार मैं कैप्टन मिलर को एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ यार, बना हुआ तो भाई 50 करोड़ में, बट यार ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगा यार 500 के 600 करोड़, ये तो कमाई लेगा धनुष जी, क्योंकि यार इसके अंदर अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा थ्योरी है भाई, ड्रामा मूवी है, फैमिली कंटेंट मूवी है भैया, सब लोग जाके देख सकते हो। और इसके अंदर मतलब जबरदस्त एक्शन तो है ही है, और मतलब 600 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगा। तीनों मूवी के ऊपर हम लोग यार देखेंगे, और उसके बाद तुम लोगों को रिव्यू भी देंगे 12 तारीख में। तो अभी फिलहाल मैं देखो यार तुम लोगों के सामने एक ही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ यार, ये तीनों मूवी तुम लोग यार देखोगे ज़रूर, क्योंकि यार 12 तारीख के अंदर मतलब ये तीनों मूवी देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये मूवी बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और हाँ गाइस, कमेंट के अंदर ज़रूर बोलना आप लोग कौन सा मूवी पहले जाके देखने वाले हो। तो गाइस अभी फिलहाल ये तीनों मूवी भैया बहुत इंटरेस्टिंग तरह का होने वाला है। और हाँ गाइस, ऐसे तरह का इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस चैनल के अंदर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यार बहुत मेहनत करता हूँ यार समझ रहे वीडियो के लिए। तो चलो टाटा बाय बाय।